प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ भाई, इस बार किसानों के हाथ में दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो कम से कम मुख्यमंत्री बना दो यूपी का इस बार उनको। टकैत साहब को अपनी पार्टी इसी मूवमेंट में अनाउंस कर देनी चाहिए, किसान एकता ये रखना चाहिए। वैसे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तमाम किसानों को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए। और इस बार देखिए 22 में टकैत साहब सीएम आराम से बन जाएंगे। किसानों का मजाक उड़ाने चले थे और कमाल की बात है कि मोदी जी इंटरनेशनल मजाक बन गए। पूरी दुनिया इन पे थूक रही है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने किसानों को परजीवी बता रहा है। परजीवी का मतलब है टुकड़ों पर पलने वाले। वो इतने अपार्टमेंट उनका खाली है कि जो किसान तुम्हारे मुंह में अन्न ठूस रहा है, तुम्हें खिला रहा है, तुम इनको कह रहे हो तुम्हारे टुकड़ों पर पल्ला है परजीवी। फिर बोलते हैं आंदोलन जीवी है ये, है ना, कि कहीं कहीं नजर आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गएंगे, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो मोदी जी भारत के लोग हैं, जहां भी अत्याचार होगा तो यही लोग पाए जाएंगे, क्योंकि भारत की आम जनता है और आम जनता हमेशा वही पाई जाती है जहां पर जुल्म होता है। तो मोदी जी जिनका मजाक उड़ाने चले थे, खुद उनका मजाक उड़ गया। मोदी जी के कहने से क्या होता है ना, अगर विदेश नहीं नहीं प्रधानमंत्री हमने बनाया है। प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं कि वो हिटलर बन जाए और भारत के लोगों को आतंकवादी बताए, परजीवी बताए। प्रधानमंत्री है तो उसकी जो एक सभ्यता है ना, उसको क्रॉस मत करें। प्रधानमंत्री अपने आप को खुदा मत समझें, वो खुदा नहीं है। उनको अगर भगवान बनाया ना तो भारतवासियों ने बनाया, जिन्होंने उनको कुर्सी पर बैठाया ना, कुर्सी से खींचना भी जानती है जनता। ये भारत की जनता, इसको बावला मत समझें मोदी जी। और जो कह रहे हैं विदेश से फंडिंग हो रही है, तो मोदी जी अगर फंडिंग हो भी रही है, तुम्हें लेबर पेन क्यों हो रहे हैं, तुम्हें क्यों हो रहे हैं? किसानों के बेटे बाहर बैठे हुए भेज रहे हैं अपने घरों में पैसा, तो तुम क्यों लेबर पेन ले लेके मरे जा रहे हो? तुम्हें नहीं होती आरएसएस को बाहर से फंडिंग? भूल गए तुम किस पकड़ा गया था आपको? बीके शेट्टी पकड़ा गया था दुबई से, भगाया था लात मार के, है आरएसएस को फंडिंग नहीं हो रही थी? तो अपने शजरे भी खोला करो दूसरों के इतिहास खोलने से पहले। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आदत पड़ गई है हर चीज में आंदोलन करने की। हाँ तो तुम्हारी स्मिता ईरानी बात बात प्याज लेके आंदोलन करती थी, साड़ियां उठा उठा कर नाचती थी, वो कौन सी जीवी थी? परजीवी थी या आतंकी जीवी थी? कौन सी जीवी थी? या मुजरा जीवी थी? कौन सी जीवी थी? वो सिलेंडर उठा के नाचती थी, प्याज उठाकर नाचती थी, लहसुन उठाकर नाचती थी, वो कौन सी जीवी थी? मोदी जी बताओ, या गुफा जीवी थी? वो कौन सी जीवी थी? वो जमात, जमात का मतलब ही सोचते ना, जमात लगा के बस ये परेशान है कि किसी भी तरह इस मूवमेंट में मुसलमानों को टैग कर दिया जाए। तो इन्होंने सोचा जमात मुसलमान, जमात का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग जमा हो, उसको जमाती बोलते हैं। जैसे कहते हैं ये क्या नाम है सबको, हमें जिहादी जिहादी बोलते हैं, इनको जिहादी का मतलब नहीं पता है। जिहाद का मतलब होता है लगातार संघर्ष करना। तो पहले स्कूलों की शक्लें देखो, बाद में आके बोलो किसान का मजाक बनाओगे, तुम खुद मजाक बन जाओगे। और आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी पार्टी पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। इनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा मूवमेंट पहुंच गया ना। ये लोगों के आंतरिक मामले में टांग अड़ा कर आते, अब की बार ट्रंप सरकार कर आते, और फिर इन्हीं की वजह से आज जो बाहर के लोग हैं वो हमारे मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय किसानों पर जुल्म हो रहा है। इनकी वजह से तो हो रहा है। रियाना की औकात इनको पता नहीं है कि रियाना की जो पॉपुलैरिटी है वो मोदी जी से भी ज्यादा है, जबकि वो मात्र अमेरिकन की पॉप सिंगर है। उसके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, मोदी जी के तो 60% से रोबोटिक मोड है सारे के सारे। रियाना तो नींद में भी अगर बड़बड़ाती है ना तो गाना हिट हो जाता है, खाली सोते भी गा ले वो। और भारत के किसानों की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो रियाना का कोई शो भी देख कर आ जाए। इतनी अमीर औरत है वो, दुनिया की चौथे तरीन दर्जे की औरत है, और जब उसको इंसानियत का दर्द आया तो इनको लेबर पेन आया। तुम्हें तो 4-5 किलोमीटर दूर किसान नजर नहीं आ रहा, उसको लाखों की किलोमीटर की दूरी पर किसान नजर आ गया। सिर्फ उसने यही तो कहा कि कोई किसानों की बात क्यों नहीं करता, यहाँ से नेटवर्क क्यों खत्म कर दिया गया, इंटरनेट क्यों काटा गया है। और उसके बाद लगातार बाढ़ आ गई। आप देखो ग्रेटा मात्र 18 साल की स्वीडिश लड़की है जो इंटरनेशनल फेम है, और एक अभी उसको नोबेल प्राइज मिलना था, उस पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा ठोक दिया। आपको कपिल मिश्रा नजर नहीं आया, आपको गुज्जर नजर नहीं आया, आपको रागनी तिवारी नजर नहीं आई, आपको कौन नजर आई? ग्रेटा, क्योंकि उसने भी कहा कि कोई किसानों की बात क्यों नहीं करता। और मीना हैरिस, हाय अल्लाह, मीना हैरिस वही जिसकी जो अभी आपको पता होगा जो वहां पर कमला हैरिस बनी है, उसका डीएनए टेस्ट कर रहे थे, घी का चिराग जला रहे थे, भारतीय है, भारतीय है। और लेबोरेटरी में जो बाइडन का भी कर रहे थे कि बस किसी भी तरह जो बाइडन को भारतीय बताने की तैयारी थी आरएसएस के हेड ऑफिस में। बीच में मीना हैरिस ने सारा खेल खराब कर दिया और किसानों के लिए ट्वीट कर दिया। अब मीना हैरिस की पुतले जला रहे हैं। अब अमेरिका में इतना गुस्सा है भारत को लेकर, क्योंकि मीना हैरिस जो है ना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी है और वहां की वाइस प्रेसिडेंट की सगी भांजी है। तो इनके जो लोग हैं सोचते तो नहीं, बकवासी कर देते, ये नहीं सोचते कि अमेरिका के साथ हमारा किस तरह का रवैया है, किस तरह के हमारे मामलात हैं। इनके लोगों ने, इन जाफरानी गुंडों ने, इन नागपुर की नाजायज औलादों ने अमेरिका में हमारी नाक कटवा रखी है। आप ये तो बताइए ना, कल संसद में उन्होंने तो बोला था परजीवी, आंदोलन जीवी, FDI, फॉरेन डिस्ट्रैक्टिव जो बोला था, क्या नाम है, आइडियोलॉजी, वो मैंने तो नहीं बोला था।
उन्होंने तो बोला था, फिर किन लोगों से बात करना चाहते हो मोदी जी, जब आप इनको किसान नहीं मान रहे, आप इनके लिए बैरिकेटिंग लगा रहे हो, फिर आप कह रहे हो एक कॉल की दूरी पे, जब ये एक कॉल की दूरी पे तो वो मोबाइल नंबर किसके पास है, वो तो मोबाइल नंबर मुझे ही दे दो, पहले तो मैं ही घुमा लूं मोदी जी को, है ना, नंबर किसके पास है वो, और जब ये देशद्रोही है तो फिर आप किन से बात करना चाहते हो, पहले अपना पक्ष क्लियर करो। एक बात तो यह है कि कांटे वाली जो बात है, ये कांटे लगाएंगे हम फूल लगाएंगे, आपने रात भी देखा, रात भी तक साहब ने यहाँ पर पौधे लगाए हैं, आप टीकरी पर देखिए पौधे लगाए जा रहे हैं, तो जहाँ कांटे होंगे वहां पर मेरा किसान पौधे लगाएगा। और ये कांटे आपने किन लोगों के लिए लगाए, आपने किसानों के लिए तो नहीं लगाए, आपने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए भारत की प्रॉपर्टी को डैमेज करा, ताकि दिल्ली से लोग किसानों के पास ना आ सके या परेशान हो तो किसानों को कोसे। दूसरी बात, ये जो जमात जमात कर रहे हैं, अब अगर मुसलमान तुम्हारे घर के जमाई हो सकते हैं तो वो भारत के किसान क्यों नहीं हो सकते, पहले तो इस बात का जवाब दो। तुम्हारे घर में सारे के सारे जमाई मुसलमान है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान, इसलिए तुम्हारी बेटियां मुसलमानों में जाती हैं। विश्व हिंदू परिषद के घर में देखो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी देखो, चाहे शाहनवाज हुसैन देखो, क्या तुम्हारी बेटियों को नहीं मिल लेते हिंदू दामाद, फिर तुमने अपनी बेटियां क्यों मुसलमानों के घर में दी, जब मुसलमान तुम्हें इतने ही खटकते हैं। तो मुसलमान कल भी किसान था, आज भी किसान है, और मुसलमान भारतीय है। आपकी जमात से, आपके जिहाद से वो नहीं डरेगा, आप इन्हें कुछ भी टैग करो, वो कल भी किसान था, आज भी किसान है, और वो किसानों के साथ इसी तरह बना रहेगा। और दूसरी बात यह कि आपके इलेक्शन में पता चल जाएगा सन 2024 में क्या होता है। और टकैत साहब ने जिस तरह दिखाया, टकैत साहब ने तो ये नहीं कहा कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आए, मुसलमान ना आए, टोपी वाले ना आए, दाढ़ी वाले ना आए, जमाती ना आए, तो ये मूवमेंट जो था, ये गाजीपुर पे जो मूवमेंट लेकर बैठे थे, ये टकैत साहब बैठे थे, और जब लेकर बैठे थे पहली बार भी मैं यहाँ पर आई थी 28 नवंबर में, मैं आई थी, बहुत कम लोग थे, और 29 नवंबर में मैंने यहाँ से लाइव करा था, तो 23 लाख चला था, तो तब तो टकैत साहब ने नहीं कहा था कि मुसलमान ने, और आज तक टकैत साहब ने नहीं कहा। फिर ये गवर्नमेंट को लेबर पेन क्यों आ रहे कि टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जब यहाँ पर जो लोग मूवमेंट लेकर बैठे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको क्यों प्रॉब्लम है। और यूपी का इतिहास उठाकर देखा जाए, इंटीरियर में जाकर देखा जाए, सारे जो किसान है वो मुसलमान ही है, हरियाणा में भी मुसलमान है, पंजाब में भी मुसलमान है। तो भी मोदी जी, तुम मुसलमानों को कौन सा ग्रह का मानते हो? बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2024 में देखा जाएगा, आने वाली यूपी के चुनाव में देखा जाएगा, तो सरकार यही तो कह रही है कि आंदोलन के नाम पे ये सरकार गिराना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो अगर नहीं, अगर सरकार खुद कह रही है कि गिराना चाहते हैं, यानी सरकार को खुद पता है कि वो खोखली सरकार है, वो धोखेबाज सरकार है, वो जुमलाबाज सरकार है, वो फेकू सरकार है, अगर आप मजबूत है तो आपको डर किस बात का है? आप भी तो कितने दावे के, आप इतने दावे के साथ कैसे करेंगे 2024? नहीं तो 2024 में क्यों नहीं देखेंगे? अगर भारत के 95 करोड़ भाई, अगर भारत के 95 करोड़ लोग इस बिल से मुतासिर हो रहे हैं, किसान जो है भारत में 95 करोड़ के अबाउट है, तो अगर वो इस बिल से मुतासिर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मोदी जी को मंगल ग्रह से तो वोटिंग नहीं मिलेगी, यही किसान तो वोट करेंगे, तो 24 में दिखाएंगे, 22 में भी सिखाना चाहिए इनको सबक। टिकैत जी को आप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, मैं तो प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ भाई, इस बार किसानों के हाथ में दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो कम से कम मुख्यमंत्री बना दो यूपी का इस बार उनको। टिकैत साहब को अपनी पार्टी इसी मोमेंट में अनाउंस कर देनी चाहिए, किसान एकता ये रखना चाहिए, वैसे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तमाम किसानों को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, और इस बार देखिए 22 में टिकैत साहब सीएम आराम से बन जाएंगे।